कहानी उस समय की है जब बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत जोरों से देश विदेश में फैल रहा था और भारत में महात्मा गौतम बुद्ध अपने धर्म का प्रचार बहुत जोरों शोरों से कर रहे थे। यह कहानी महात्मा बुद्ध के समय की है। अजातशत्रु नामक एक राजा अपने राज्य को बहुत अच्छे ढंग से चला रहा था। उसके राज्य के लोग राजा से बहुत खुश थे और राज बहुत भली भांति से विकास की तरफ बढ़ रहा था। परंतु एक कहावत है कि समय बदलता रहता है, हमेशा हर चीज एक जैसा नहीं रहता। राजा अजात शत्रु के साथ भी ऐसी घटना घटी। राजा अजात शत्रु अपने जीवन में कई समस्याओं से घिर गए और उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उन्होंने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई, लेकिन सभी योजनाओं में वो असफल रहे। एक दिन की बात है, राजा अजात शत्रु की मुलाकात एक तांत्रिक से हुई। राजा ने अपनी सारी समस्याएं उस तांत्रिक को एक एक करके बता दिया। तांत्रिक राजा की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था और जब राजा की बातें खत्म हो गई तो उस तांत्रिक ने राजा अजात शत्रु को उससे उभरने के लिए एक उपाय बताया। तांत्रिक ने कहा, हे राजन, यदि आपको अपने इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाना है तो इसका एक उपाय है, और वह उपाय है कि आपको एक जानवर की बलि देना पड़ेगा। राजा तांत्रिक की बात सुनकर बहुत सोच विचार करने लगे और सोचे कि क्या एक पशु की बलि करना जायज है। लेकिन राजा को तो अपनी समस्याओं से भी छुटकारा पाना था। जब राजा ने अपनी समस्याओं के बारे में सोचा तो उन्होंने विचार किया और कहा, तांत्रिक हाँ, मुझे मंजूर है, मैं पशु का बलि दूंगा क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तांत्रिक के कहने पर राजा अजात शत्रु ने पशुओं की बलि देने के लिए एक बहुत बड़ा अनुष्ठान किया और सभी पशुओं को बलि देने के लिए उस बड़े से मैदान में उन्हें बांध दिया गया। संयोगवश भगवान गौतम बुद्ध उसी नगर से गुजर रहे थे और वो वहीं पर पहुंचे जहां पर उन जानवरों का बलि देने के लिए अनुष्ठान किया गया था। भगवान गौतम बुद्ध ने जब यह देखा कि इन पशुओं की बलि देने की तैयारी चल रही है, तब भगवान गौतम बुद्ध राजा अजात शत्रु के पास गए और बोले, हे राजन, आप इन निर्दोष और बेजुबान जानवरों की बलि क्यों देना चाहते हो? इन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि जो इन्हें मारने जा रहे हो? तब राजा अजात शत्रु भगवान से बोले, तथागत, मैं इन्हें मारने नहीं, मैं तो अपने राज्य के कल्याण के लिए इनकी बलि देने जा रहा हूँ, ताकि मेरे सभी राज्य का कल्याण हो। तब भगवान गौतम बुद्ध बोले, हे राजन, क्या किसी निर्दोष जानवर का बलि देने से किसी का कल्याण भी होता है क्या? फिर भगवान गौतम बुद्ध ने जमीन से एक छोटा तिनका उठाया और राजा के हाथों में दिए और बोले, हे राजन, तुम इस तिनको को तोड़ के दिखाओ। राजा ने उस तिनको को झट से ही तोड़ दिया। भगवान गौतम बुद्ध बोले, हे राजन, अब इन टुकड़ों को जोड़ के दिखाओ। तब राजा बोला, तथागत, ये कैसे हो सकता है, अब इन टुकड़ों को तो कोई नहीं जोड़ सकता। तब भगवान गौतम बुद्ध बोले, हे राजन, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। यदि तुम इन टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ नहीं सकते, इसी प्रकार आप जब इन निर्दोष और बेजुबान जानवरों की बलि देंगे और इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो दोबारा आप इन पशुओं को जिंदा नहीं कर सकते, बल्कि इनकी बलि देने से आपको उल्टा इन जानवरों के मारने का पाप लगेगा। इनको मारने से आपकी समस्याएं कम नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ जाएंगी। अगर तुम सच में अपनी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हो तो जरा दिमाग से काम लीजिए, इन बेजुबान जानवरों को मारने से आपका समस्या कम नहीं होगा। भगवान गौतम बुद्ध की बात राजा को समझ आ गई थी और वह अब भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में गिर के उनसे क्षमा मांगने लगा। राजा को भगवान गौतम बुद्ध की बातों का इतना ज्यादा असर हुआ कि उसने अपने राज्य में यह घोषणा करा दी कि आज से इस राज्य में किसी भी बेजुबान जानवर की बलि नहीं दी जाएगी। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि इस संसार में सभी समस्याओं का हल है। हमें अपनी समस्याओं को छुटकारा पाने के लिए जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे हम अपने समस्याओं से भी छुटकारा भी ना पाए और हमारी वजह से बेजुबान और बेसहारा लोगों को नुकसान हो। ऐसी स्थिति में हमें अपने शांत मन से सोचना चाहिए और उसके बाद अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहिए।
अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।